गुड मॉर्निंग क्लास. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लास 7 हिस्ट्री चैप्टर 1 ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 इयर्स. चैप्टर 1 So class, in this chapter we are going to study how periodization of the ancient incidents took place and how the new maps came and how the historians divided history into different parts. So इस chapter में basically हम पढ़ेंगे कि बहुत सालों में जो परिवर्तन हुए हैं, चाहे वो मैप में हो या फिर किसी सोसाइटी में हो या फिर कोई किंगडम्स में हो, तो ये किस तरह से चेंजेस हुए हैं. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि अगर हम इस बुक में देखें तो आप अपने बुक में देखेंगे तो फिगर 1 और फिगर 2 जो है वो दो अलग अलग कार्टोग्राफर ने और ज्योग्राफर ने बनाया है. पहला जो मैप है उसको अल इदरीसी ने बनाया था इन द ईयर 1154 में. और ये जो मैप है एक्चुअली ये एक वर्ल्ड मैप है और जिसमें इंडिया भी शो किया गया है. लेकिन अगर हम कंपैरिजन करें इस मैप को जो फ्रांसिस कार्टोग्राफर है जिन्होंने ये मैप 1720 में बनाया था, अगर इनसे हम मैप को कंपेयर करें तो बस हम ये देख सकते हैं कि जो अल इदरीसी का मैप था वो उल्टा है. जहां अगर हम आज की बात करें, अगर हम नॉर्थ में, जैसे कि अगर हमें जम्मू एंड कश्मीर खोजना है इंडिया मैप में, तो हम नॉर्थ की तरफ देखेंगे. लेकिन अकॉर्डिंग टू अल इदरीसी मैप हमें साउथ की तरफ देखना पड़ेगा, जहां पे कन्याकुमारी है. ठीक इसी तरह से मैप जो है इनमें वेरिएशन चेंज हुए. मैप जो है वो अलग अलग समय में बने हैं लेकिन ये मैप सारे एक ही हैं, बस इनका जो प्लेस है या फिर जो डायरेक्शन है ये थोड़ा सा चेंजेस है. इसी तरह से यहाँ पे बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट्स हुए मैप्स में और कार्टोग्राफर में जिसकी वजह से जो वर्ल्ड का जो मैप है या फिर जो मानचित्र है इसको बनाने में बहुत ज्यादा आसानी रही है. सो यहाँ पे एक टर्म आता है कार्टोग्राफर. सो प्लस कार्टोग्राफर हम उन लोगों को कहते हैं जो कि मैप्स बनाते हैं. द पर्सन हु मेक्स मैप इज कॉल्ड द पर्सन हु मेक्स मैप्स. वो लोग जो कि मैप बनाते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, कार्टोग्राफर कहते हैं. सो यहाँ पे एक कार्टोग्राफर ने जो मानचित्र पेश किया, जो मैप शो किया इंडिया का, इससे बहुत चीजें पता चलती है कि टेरिटरी जो है वो कि कहाँ तक एक्सपैंड थे, यहाँ पे कौन कौन से ट्रेड हुआ करते थे. तो इसी तरह से हम देखेंगे कि इस चैप्टर में हम देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे चेंजेस हुए हैं जो कि हमें देखने हैं. सो अगर हम आवर फर्स्ट टॉपिक इज न्यू एंड ओल्ड टर्मोलॉजीज. फर्स्ट टॉपिक इज न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज. सो क्लास ये हम उस समय की बात कर रहे हैं जब मैप बन रही थी और नए नए वर्ड्स जो है यहाँ पे स्टार्ट हो रहे थे. फॉर एग्जाम्पल आज हम इंडिया को हिंदुस्तान के नाम से भी जानते हैं लेकिन एंशियंट में हिंदुस्तान नहीं था. सो न्यू एंड ओल्ड टर्मोलॉजीज में हमने कहा कि एंशियंट टाइम्स में बहुत सारे हिस्ट्रीज ऐसे थे जो कि बहुत सारे नए नए वर्ड्स को लेकर के आए थे, लाइक हिंदुस्तान. आज हम इंडिया को या फिर हिंदुस्तान के नाम से जानते हैं तो उस समय हिंदुस्तान या फिर इस तरह से नाम जो है बहुत सारे लोगों ने अलग अलग टाइम्स पे रखे थे. इसके चलते नए नए न्यू वर्ड्स जो है वो इंडिया में जुड़ते गए और इंडिया को हमने अकॉर्डिंग टू मैप इसको अलग अलग पार्ट्स में हमने डिवाइड करना शुरू कर दिया था. सो लेट्स सी इसमें कौन कौन से मेन टॉपिक्स हैं जो कि हमें देखने हैं न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज में. फर्स्ट
फर्स्ट वन इज हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट इन अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस। यहाँ पे देखिए जितने भी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स थे, मीन्स पास्ट में क्या क्या हुआ थे और किस तरह से मैनेजमेंट था, कौन किंग्स थे, ये सारे के सारे जो है किसी ना किसी रिकॉर्ड्स में मेंशन थे। इसके बाद सेकेंड द टर्म हिंदुस्तान वाज कॉइन्ड बाय मिन्हाज मिन्हाज ए सिराज ए क्रॉनिकलर पर्शियन। सेकेंड पॉइंट में मिन्हाज ए सिराज एक ऐसे पर्शियन क्रॉनिकलर थे जिन्होंने पर्शियन लैंग्वेज में पंजाब और हरियाणा और उसके आसपास जो गंगा और यमुना था इस पार्ट को इन्होंने हिंदुस्तान नाम दिया था। सबसे पहले हिंदुस्तान नाम इन्होंने इस पार्ट को ही दिया था, पार्ट्स ऑफ पंजाब हरियाणा एंड गंगा एंड लैंड बिटवीन गंगा एंड यमुना, यमुना रिवर के और गंगा रिवर के बीच में जितनी भी जमीने थी इस जमीन को ही मिन्हाज ए सिराज ने, जो कि एक पर्शियन क्रॉनिकलर थे, इन्होंने सबसे पहले नाम हिंदुस्तान दिया था। इसके बाद इन थर्ड में देखेंगे, इन थर्ड पॉइंट बाउर यूज्ड हिंदुस्तान टू डिस्क्राइब द सब कॉन्टिनेंट अलोंग विथ इट्स फ्लोरा एंड फौना जो बौर है उन्होंने हिंदुस्तान को डिस्क्राइब किया था, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है इसमें जितने भी फ्लोरा एंड फौना है इनको। इसके बाद इन 14th सेंचुरी पोएट अमीर खुसरो यूज्ड द वर्ड हिंद। सो अगर हम कहें तो अमीर खुसरो 14th सेंचुरी में एक कवि थे जिनका नाम था अमीर खुसरो, इन्होंने भी सबसे पहले ये वर्ड यूज किया था हिंद। सो क्लास राइट डाउन ऑल द पॉइंट्स विच आर रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड एंड लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट टॉपिक हिस्ट्रीज एंड देयर सोर्सेस।
क्लास इस टॉपिक में हम देखेंगे कि जो हिस्ट्रियंस थे इनके कौन कौन से सोर्सेस थे जिनसे इनको ये बात पता चली कि किसने सबसे पहले नाम रखा या फिर किस पार्ट को हिंदुस्तान कहा गया था या फिर किस तरह से इंडिया जो है वो डिवाइडेड थी या फिर किस तरह से यहाँ के रूल्स थे, इन सबको हम देखेंगे इस टॉपिक में। सो तो फर्स्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट medieval period is derived from two sources. First is archaeological and literary. सो क्लास अगर हम कहें हिस्ट्रीज जो थे उनको एंशिएंट पास्ट के बारे में किस तरह से पता चला, तो इनको दो कारणों से पता चला। जो भी चीजें मेडिवल पीरियड में थी वो बाहर किससे आई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे से और लिटरेरी से, मीन्स आर्कियोलॉजी से मीन जितनी भी खुदाइयां हुई इनसे ये बात पता चली कि इस एरिया में क्या था और उस क्या हमें मिले, और उसके बाद जो भी एंशियंट टेक्स्ट लाइक नोटबुक, बुक, डायरी, मैन्युस्क्रिप्ट, ये सारी चीजें जो है इनसे हमें पता चला, और इससे ही हम ये ट्रेस करते हैं कि एंशियंट टाइम में इंडिया जो है किस तरह से डिवाइडेड थी या फिर किस पार्ट को हमने यहाँ पे रखा था। सो सेकंड पॉइंट पे सिंस पेपर बिकेम अवेलेबल इन गुड क्वांटम ए लॉट ऑफ रिटेड अकाउंट्स इन द फॉर्म ऑफ क्रॉनिकल्स ऑटोबायोग्राफी फरमान्स accounts of ancient time में अगर हम कहें तो उस समय की अगर हम बात करें तो उस समय पेपर जो है वो अवेलेबल हो गया था, मीन्स बहुत ज्यादा पेपर जो है उसकी अब कमी नहीं रही, जिसकी वजह से बहुत सारे हमें रिटन अकाउंट्स जो है वो मिलने लगे, मीन्स लाइक क्रॉनिकल्स, ऑटोबायोग्राफीज, फरमान, मीन्स उस समय जो भी किंग ने किसी को ऑर्डर दिया हो लाइक फरमान या फिर क्रॉनिकल्स में जिन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी हो या फिर किसी के बारे में लिखा हो, तो ये सारी चीजें जो है हमें बुक्स के थ्रू पता चलने लगी, और इस तरह से ही हमने इंडिया को अच्छी तरह से समझे और इसके अकॉर्डिंगली ही इंडिया जो है वो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड थी ये बात हमें पता चले। अगर एंशियंट टाइम्स की हम बात करें तो यहाँ पे जितने भी ये सारी डाटा हमें मिली इससे हमें ये बात पता चली कि उस समय आर्कियोलॉजिकल सर्वे से जो भी हमें चीजें मिली उसमें कौन कौन सी चीजें थी, लाइक मोनूमेंट्स थे, टेम्पल्स, टाउन्स, कॉइन्स, ऑर्नामेंट्स और पेंटिंग्स, तो इन सारी चीजों से भी हमें ये बात पता चली कि एंशियंट टाइम जो है वो कैसा था। तो ये सारी चीजें जो है वो डिपेंड करती है किस पे, स्ट्रीम्स के सोर्सेस पे, मीन्स इनको जो भी सोर्सेस मिले इसके अकॉर्डिंगली इन्होंने इंडिया को डिवाइड किया था। सो थर्ड पॉइंट, आर्कियोलॉजिकल
टेक्नोलॉजिकल सोर्सेज अवेलेबल अवेलेबल टू यूज इंक्लूड मॉन्यूमेंट्स टेम्पल्स towns, coins, ornaments, paintings, etc. So class, ये सारे sources थे जिनसे हमारे जितने भी histories थे इनको ancient past के बारे में पता चले. So let's move to our next topic, that is new social and political group. New social and political groups. So the अब हमें देखना है कि इस समय कौन कौन से नए नए सोशल और पॉलिटिकल ग्रुप्स बाहर आ गए, जैसे कि बहुत सारे धर्म जो है अभी स्टार्ट हुए, लाइक हिंदुइज्म, इस्लाम, जैनिज्म. तो ये किस तरह से स्टार्ट हुए और इनके कौन कौन से सोर्सेस हैं? सो फर्स्ट द स्टडी ऑफ द 1000 ईयर्स study of the 1000 years between challenge to historians largely because of the scale of variety of variety of development that occurred over the period. Second one is it was a period of great mobility So class
फर्स्ट टॉपिक में देखें तो स्टडी ऑफ द थाउजेंड ईयर्स बिटवीन 715, अगर हम इस टॉपिक की बात करें तो जितने भी हिस्टोरियंस थे इनको 700 से लेकर के 1750 के बीच में जितने भी चेंजेस हुए इनको पता लगा लेना बहुत ही ज्यादा इनको मुश्किल रहा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस वन बाय वन हुए थे जिसकी वजह से इनको जो है इसको पीरियडाइज करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया। थर्ड और सेकंड पॉइंट में देखिए, इट वाज ए पीरियड ऑफ ग्रेट मोबिलिटी, मींस यहाँ पे बहुत सारे जाति धर्म के लोग जो है वो सामने आने लगे, लाइक राजा पुत्र और द ग्रुप ऑफ वॉरियर्स वेयर लाइक मराठा, सिक्स जट्स, अहोम्स एंड कयाथास। तो हम कह सकते हैं कि जो सेकंड पॉइंट में है इसमें भी बहुत सारे चेंजेस आने लगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे नए धर्म के लोग, नए जाति के लोग जो है वो सामने आए और इसके बाद बहुत सारी चीजें जो है वो दिन ब दिन बदलती चली गई। सो थर्ड पॉइंट इज एज सोसाइटी बिकेम मोर differentiate, people were grouped into jatis or subcastes and ranked on the basis of their background and occupation। सो क्लास, अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो इसमें बहुत सारे सोसाइटी जो है वो क्रिएट होने लगे, मतलब बहुत सारे सोसाइटी जो है वो बनने लगे और इसमें बहुत सारे डिफरेंट तरह के लोग थे लाइक, और यही वो समय है जब जाति धर्म जो है वो स्टार्ट हुई। अगर हम कहें तो इसी समय ये वही पर्टिकुलर समय है जिसमें जाति और लोग जो है सब कास्ट में डिवाइड हो गए, मीन जितने भी लोग थे इंडिया में उन सबों ने क्या किया, अपने जाति या फिर अपने सब कास्ट के हिसाब से उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया और इनका ये जो डिवीजन था जाति और कास्टिज्म सब कास्ट वाला, ये किस पे बेस्ड था, बैकग्राउंड एंड देयर ऑक्यूपेशन। सो उस समय जो भी लोग जैसा काम करते थे उनको उस तरह का टाइटल या फिर उस तरह की जाति में उनको डिवाइड कर दिया गया था। सो ऑल स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू नोट डाउन दीज पॉइंट्स and let's move to our next topic, that is regions and enterprises।